किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान मौसम के खराब होने से होता है। लगातार बारिश और बुआई के बाद सूखे के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मेघदूत ऐप विकसित किया है। इस ऐप के जरिए किसानों को मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हर एक अपडेट अपने फोन में मिल जाएगी। इस वीडियो में जानिए कि कैसे किसान इस ऐप का इस्तेमाल करें। भारत मौसम विज्ञान द्वारा एक ऐप विकसित किया गया जिसका नाम है मेघदूत ऐप। मेघदूत ऐप क्या है? वह है आपका ऐप जो है, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आप किस जनपद के हैं, आप अपने जनपद का चुनाव करिए, उसमें आपको आपके जनपद का मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिल जाएगी। साथ साथ उसमें जो भी कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिक होते हैं उनका सुझाव दिया रहता है किस मौसम में आपको किस प्रकार की खेती करने रहते हैं। उसी तरीके का एक आपका मौसम ऐप आता है, आपको मौसम की जानकारी देने के लिए एक मौसम ऐप आता है, उसमें भी आपको मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिलती है। ज़्यादातर क्या होता है, कभी कभी बिजलियाँ चमकती हैं, बिजली गिर जाने से बहुत से किसान भाइयों की मृत्यु हो जाती है। ज़्यादातर बिजली चमकने की घटनाएं बरसात के दिनों में देखी जाती हैं, लेकिन इस ऐप्स का महत्व हर जगह है। बिजली घटना जो भी घटती हो, घटनाएं कभी बता के नहीं आती है, उसीलिए आकाशीय बिजली चेतावनी ऐप के लिए किसान भाई दामिनी नामक ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इससे किसानों का बिजली गिरने से किस तरह बचाव होता है? जैसे मान लीजिए दामिनी ऐप है, दामिनी ऐप में 3 अलर्ट होते हैं। येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट है। वह रेड अलर्ट क्या करता है, अगर रेड अलर्ट हो गया तो आपका, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से करीब 20 से 40 किलोमीटर का जो एरिया होगा हमारे राउंड का, वह आपको बता देगा कि स्पेसिफिक लोकेशन पे कि बिजली कहाँ गिरने वाली है। यह सबसे सटीक जानकारी देता है इस दामिनी ऐप। किसान भाई देखिए, यह है दामिनी ऐप है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ नो लाइटिंग वार्निंग। तो हम जहाँ इसमें खड़े हुए हैं, यहाँ चारों तरफ यहाँ का जो एरिया है 20 से 40 किलोमीटर का एरिया, यहाँ बिजली गिरने की कोई संभावना नहीं। उसमें आपने जैसे आपको अभी बताया कि उसमें येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट, इसमें देखिए रेड अलर्ट का चिन्ह बना हुआ है। रेड अलर्ट का मतलब जानकारी आपको 7 मिनट में, ऑरेंज का मतलब आपका 14 मिनट। तो इस तरीके जो आपका अराउंड एरिया 20 से 40 किलोमीटर का एरिया है कवर करता है, यह ऐप्स बहुत ही उपयोगी ऐप्स है। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए मौसम विभाग ने फ्री में 3 ऐप मौसम, दामिनी और मेघदूत विकसित किए हैं। ये ऐप किसान भाइयों के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जा रहा है। इस ऐप का इस्तेमाल देश भर में करोड़ों किसान कर रहे हैं। मौसम को लेकर लगातार तकनीकी में कई तरह के परिवर्तन हुए हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज है कि मौसम विभाग ने अपने जितने भी एंड्रॉयड यूजर हैं उनके लिए फ्री में, मुफ्त में 3 ऐप डेवलप किए हैं, मौसम, दामिनी और मेघदूत। ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही यूजफुल ऐप हैं। पूरे देश में इसका करोड़ों किसान इस्तेमाल कर रहे हैं और इन ऐप के माध्यम से किसानों को जो मौसम को लेकर जो अलग अलग संभावना, अलग अलग जो क्लाइमेटिक स्थिति में जो कंडीशन होती है उससे अपनी कैसे फसलों को बचाव करना है उसकी भी जानकारी मिल रही है। दामिनी ऐप के माध्यम से किसानों को जो बिजली खेत में अगर वो पानी दे रहे हैं या खेत में काम कर रहे हैं उस दौरान अगर मौसम ख़राब है तो वो अगर दामिनी ऐप के माध्यम से उनको अलर्ट मिल जाता है और उससे वो बिजली, आकाशीय बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। मेघदूत की बात है, वो किसानों को मौसम अलर्ट के साथ साथ उनको सलाह भी प्रदान की जाती है कि ऐसे मौसम में अपनी फसलों का बचाव कैसे करें। और मौसम ऐप है, इसके माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान किसानों को बताया जाता है। तो ये तीनों ही ऐप बहुत ही यूजफुल हैं किसानों के लिए। अगर इनका आप नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो मौसम की अनिश्चितता है उससे होने वाले नुकसान से बच जाएंगे। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ।